बिहारी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो ये एक रेसिपी है दोस्तों, और इसके लिए आपको बस 5 मिनट का टाइम चाहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मेरे पास 4 अंडे हैं दोस्तों, और 1 बड़ा सा प्याज मैं कट करके बारीक रख रही हूँ दोस्तों। तो प्याज मैं कट कर ली हूँ, और इसमें 8 से 10 हरा मिर्च काट रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से हरा मिर्च काटना दोस्तों, जैसे आप लोग तीखा खाते हो वैसे। तो ये देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से काट ली हूँ, और गैस को जलाकर तवा रख देती हूँ, ताकि तवा इधर जब तक सामग्री तैयार करूँ तब तक तवा गर्म हो जाए दोस्तों। तो ये देखिए इसमें गिलास में मैं 2 एग डाल रही हूँ दोस्तों। आप चाहो तो 1 अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 अंडे डाल रही हूँ इसमें। और जो हरा मिर्च और प्याज बारीक काट करके रखी थी वही इसमें डाल रही हूँ। तो जितना आप प्याज और हरा मिर्च डालोगे उतना ही स्वादिष्ट होगा दोस्तों। और इसमें 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं तवा ऑमलेट बना रही हूँ दोस्तों। और ये सबके घर में बनता है, और सबका तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। मैं सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत कम समय लगने वाला मैं ये रेसिपी आप सभी से शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जैसे मेरे घर पे बनता है। तो तवे पे आप लोग सरसों तेल डाल लेना दोस्तों, और तवा आपका गर्म होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम में गर्म होना चाहिए। उसके बाद जो गिलास में हम लोग ऑमलेट बनाने के लिए मिला कर रखे थे प्याज हरा मिर्च एंड अंडा को, तो वही तवा पे मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद किनारे किनारे से आप लोग सरसों तेल डाल देना दोस्तों, ताकि अंडा तवे में चिपके ना। और ये 2 अंडे से मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है 2 अंडे से बनाने में, लेकिन स्वादिष्ट बहुत लगता है और जल्दी बन जाता है दोस्तों। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 अंडे से भी आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, और ये ऑमलेट हमारा बन के तैयार हो गया है दोस्तों, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए मैं आप सभी को 1 अंडे का बनाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। अगर 2 अंडे बनाने में आप लोगों को दिक्कत हो तो 1 अंडे से भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं 2 अंडे में बनाई थी, अंडा तोड़कर 1 अंडा गिलास में तोड़कर डाल देना दोस्तों। उसके बाद प्याज और हरा मिर्च डाल देना, अच्छे से मिला लेना। उसके बाद अभी जो मैं तवा पर जैसे डाली हूँ वैसे डालकर आप लोग तेल किनारे किनारे से डालकर पलट लेना दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। और ये हमारा 3 अंडे से बन के ये रेसिपी तैयार हो गया। इसे मेरे पास 4 अंडे थे, लेकिन मैं 3 रेसिपी बता रही हूँ 3 अंडे का। तो ये देखिए, एक बड़ा वाला जो है 2 अंडे से, छोटा वाला 1 अंडे से। तो ये रेसिपी आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों। थैंक